कल जो आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब जरूर देख लीजिएगा कितनी छेड़खानी की गई है रामायण के साथ में, क्यों हमारे ही धर्म ग्रंथों के साथ छेड़खानी, क्यों सनातन संस्कृति के साथ ही छेड़खानी की जाती है। अगर आपको मूवी डब करके कुछ बनाना ही था, कुछ इस तरह का लुक देना ही था, एडवांस लुक देना ही था, तो किसी और स्टोर में बना देते। रामायण जैसे ग्रंथ को ही क्यों, जो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन संस्कृति का, क्यों उस तरह की छेड़खानी की गई। आपने अगर उसको नहीं देखा हो ना, तो स्पेसिफिक जो तीन कैरेक्टर है, जो हमारे जो रामायण के जो बहुत ही मुख्य तीन किरदार है, सबसे प्रथम बात करेंगे रावण की। देखिए रावण चाहे उसने जो अपने अहंकार में किया वो गलत जरूर था, लेकिन रावण बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान पंडित था, शिव का परम भक्त था, उसके पास में कई सारी कलाओं का ज्ञान था, कई सारे रत्न थे, इतना ज्ञानी था वो कि यहाँ तक कि जो हम लोग शिव तांडव स्तोत्र की बात करते हैं ना, उसका रचयिता भी वही था। इतना ज्ञानी पुरुष को आपने किस किरदार में निभाया, एक बार आप उसके दार की तस्वीर देखी जो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, इतनी घटिया तस्वीर आप कैसे दिखा सकते हैं। और दूसरी बात की आपने क्या दिखाया, रावण चमगादड़ पे आया था, रावण के पास उस सदी में, अभी तक आपने जो चीज का नहीं निर्माण कर पाए हैं, जो आपने अभी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जब चलते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय। उस टेक्नोलॉजी में जो पुष्पक विमान में रावण सवार होके जाता था, आपने उसको चमगादड़ से कंपेयर किया, इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्यों आप हमारी संस्कृति के साथ करते हैं, और संस्कृति भी तो है ना हमारे भारतवर्ष में, क्यों उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। हम नहीं कहते कि आप उनके साथ छेड़खानी कीजिए, लेकिन जो हमारे मूल ग्रंथ है ना, कम से कम उन्हें खराब करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे जो ग्रंथ है उनके साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो कोई भी सनातन धर्मी ये व्यक्ति ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, उसके लिए विरोध उठाया जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, रावण का जो हेयर स्टाइल किया, अरे उस समय भी है ना रावण की मूछें थी, बाल थे, प्रॉपर हेयर कट था, मुकुट था सर पे। और जो खास बात है ना हमारे संस्कृति में, एक भगवा रंग का ना बहुत विशेष जगह बनाई है, जो उसमें क्या दिखाया है कि वो जो रावण है वो भगवाधारी नहीं है, भगवा कुछ नहीं पहना हुआ है, सर पे जो तिलक है वो भी काला तिलक है, कपड़े जो पहने वो भी काले पहने। क्यों भाई इतना हर चीज में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आप लोग, अगर आपको कुछ बनाना है अलग ही बनाओ ना, कंसेप्ट ही अलग रखो, क्यों रामायण जैसे ग्रंथ के साथ इतना छेड़खानी कर रहे हैं। उसके बाद में आपने क्या दिखाया, जो हमारी सीता माता है, सीता माता का भी कैरेक्टर आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, इतनी मॉडल, मतलब बिल्कुल ही शोल्डर ड्रेस पहने हुए हैं वो, ऐसी जो झूल रही है, देखिए झूला खाना सब कुछ ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन सीता माता ना कभी शोल्डरलेस कपड़ों में नहीं थी। आप पुराने ग्रंथ उठा के देख लीजिए, पुराने रामायण देख लीजिए, भगवाधारी थी, उन्होंने कपड़ों की भी सभ्यता थी। आप लोग सभ्यता में जो मर्जी पहने आपके लिए मना नहीं है, लेकिन जो हमारे कैरेक्टर है, जो बहुत मुख्य किरदार है, कम से कम उनके साथ उनके व्यक्तित्व को लेके किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कीजिए। अगर करेंगे तो हम विरोध करेंगे ही, सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, जो हनुमान जी हैं, जो श्री राम के परम भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से सन्यासी रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, आपने उनका कैरेक्टर कितना ही ज्यादा गंदा कर दिया। अरे उनका जो जो एक लीजिए कि जो ऑरा है ना, उनको देखने से भी ना एक एनर्जेटिक फील आता है। आपने तो उनको भी अलाउड खिलजी बना दिया, क्यों भाई हमारी ही संस्कृति के साथ इतना छेड़खान, क्यों आपने इतना जो महत्वपूर्ण किरदार है हनुमान जी का, उसके साथ जो बाल ब्रह्मचारी थे उनका भी पूरा गेटअप चेंज, उनका पूरा लुक चेंज, कोई सर पे मुकुट नहीं, चलो मुकुट नहीं मत रखो, उनके जो कपड़े थे वो तो बिल्कुल ही भगवाधारी थी, उनका भी गेटअप पूरा चेंज कर दिया, उनके भी वस्त्रों का रंग भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। और कैसा लुक दिया, एक मौलवी का लुक दिया, कहाँ कहीं उनकी मूछें वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ ही चेंज। उसके बाद श्री राम का भी लुक चेंज कर दिया, श्री राम ने भी जब ये संन्यास लिया था ना, उसके बाद भगवा धारण किया था, ना कि जो आपने वस्त्र दिखाया है ना, इस तरह का गेटअप लुक नहीं लिया था। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सभी मिलके आदि पुरुष वीडियो का, इस मूवी का पूर्ण रूप से विरोध कीजिए। इस मूवी को हमें लॉन्च नहीं होने देना है, इसका जो टीजर रिलीज हुआ है उसने हमें भी बहुत ज्यादा गलत हरकतें दिखाई गई है, बहुत ही गंदा कैरेक्टर दिखाया गया है। हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, आप लोग आगे आगे नहीं आएंगे, तो इसी तरह से आगे भी ना हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ होते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके पूर्ण रूप से बॉलीवुड का बहिष्कार कीजिए, इस मूवी का बहिष्कार कीजिए। जय हो माता, वंदे मातरम।